हेलो फ्रेंड्स, यूपी पुलिस के एग्ज़ाम जो है वो 27 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं। तो आज हम टॉप 100 क्वेश्चन लाने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपको पार्ट वाइज यहाँ पे यूपी पुलिस RPF और SSGD की तैयारी करवाई जाएगी यहाँ पे हमारे चैनल पे शाम के 7:30 बजे। तो आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो देखिए, टॉप 100 क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए। तो बोधगया में हुई थी। और दूसरा क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद जी ने की थी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रुप डी में भी आया हुआ क्वेश्चन है। और पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी होती है? तो वो है गुरुमुखी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? वो है कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह में। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो वो है असम का। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बैटिंग था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो वो हुआ था चीन में। अगला क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? वो था सिद्धार्थ। तो देखिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग 11 क्वेश्चन आपको बताएं। अब अगली स्लाइड में आपको और क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखिए, पार्ट वाइज आपको डेली वीडियोज मिलेगी शाम के 7:30 बजे। वो भी सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे, टॉप 100 क्वेश्चन आपको इस सीरीज में मिलने वाले हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन बात करें तो भारत में राज्य अपने जो सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, यानी सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो वो होता है राष्ट्रपति भारत में। और दूसरा क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो उस क्वेश्चन का आंसर होगा विटामिन ए। तो देखिए, आपने बिल्कुल सही सुना, रतौंधी जो है विटामिन, जिसमें विटामिन ए की कमी कारण रतौंधी रोग होता है, जिसमें कुछ दिखाई नहीं देता रात के समय में। अगला क्वेश्चन है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो वो तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? वो पंजाब के हैं। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो वो है JL बेयर्ड ने। और अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला शासिका थी वर्ज्या सुंदर, यानी कि पहली महिला शासिका यही थी, जो कि बहुत ही पुरानी शासिका है। और सबसे पहली महिला शासिका थी रज्या सुंदर। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है, यानी मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों द्वारा लेती है। अगला क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो उसका आंसर है भगत सिंह ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ? तो 1919 में अमृतसर में हुआ था, काफ़ी दुखद घटना थी। 1939-1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो वो थे फॉरवर्ड ब्लॉक। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। सांडरी का हत्या किसने की थी? तो वो थे भगत सिंह। तो 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे ने। मंगल पांडे के ऊपर एक मूवी बन चुकी है, जो आप लोगों ने बहुत अच्छी देखी होगी, क्योंकि ये एक अच्छी फिल्म थी और साथ ही साथ बहुत ही अच्छा इन्होंने दिया था योगदान अपना। देखिए, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। काफ़ी महान काम किया था इन्होंने, जो कि एक लड़की के लिए काफ़ी बड़ी बात होती है और एक इंडिया के लिए भी बहुत बड़ी बात थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी ब्रह्म समाज की स्थापना। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो वो था मूल शंकर। वेदों की ओर लोटो लोटो का नारा किसने दिया, यानी वेदों की ओर लोटो? तो वो दिया था दयानंद सरस्वती ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो वो थे स्वामी विवेकानंद ने। वास्को डी गामा का भारत कब आया था? तो वो 1498 में आया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? वो पुर्तगाल का रहने वाला था। तो आपको पता ही होगा, पुर्तगाल के जो थे वो काफ़ी ज़्यादा शासकीय होते थे, तो वो लोग पहले भारत में आए थे। हवामहल कहाँ होता था? तो हवामहल कहाँ है? वो है जयपुर में। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो वो है गुरु नानक, जो कि 10वें गुरु थे। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा होता है? वो बैसाखी होता है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? वो है सरदार पटेल। तो आपको पता होगा, इनके ऊपर एक मूर्ति बन चुकी है, जो कि काफ़ी सबसे लंबी मूर्ति है अब तक की, और स्टैचू कहा सकता है स्टैचू ऑफ यूनिटी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी एक अलग क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, क्योंकि हमारे चैनल पे डेली शाम के 7 बजे आपको डेली इवनिंग शाम 7 बजे एक वीडियो मिल जाता है यूपी पुलिस SSC CGL और RPF और SSC GD के एग्जाम से रिलेटेड। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा सकते हैं। शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि हमें पता चले हमारी मेहनत पसंद आई आप लोगों को। वीडियो को लाइक कर दें और अगले वीडियो से आपको